दोस्तों, मिलीबग का नाम आपने सुना होगा और ये अधिकांश गुड़हल या फिर ऐसे किसी पौधे पे ये बहुत पाया जाता है और इसी का जो इलाज है वो हम आपको बताने वाले हैं। और इलाज बिल्कुल फ्री है, 1 रुपए के खर्च में आप इसका इलाज कर सकते हैं। इस पौधे में बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, और इस पे जैसे ही ये ज़्यादा मात्रा में हो चुकी है तो आप लोग देख रहे होंगे इसके अंडे और इसके जो अवशेष है उसको खाने के लिए यहाँ चींटियाँ भर जाती हैं। तो जैसे इस पे आपको मिलीबग दिखे आपके शुरुआती पौधे में तो तत्काल इसका इलाज करें, नहीं तो ये धीरे धीरे दूसरे पौधों को भी अपने चपेट में लेना शुरू कर देता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये गेंदे में भी इसका असर आना चालू हो गया है, और बगल में इसका है गुड़हल और उस पर भी हम लोग ये मिलीबग देख पा रहे हैं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे इन सबका इलाज करें, और एक पौधा और है जिसमें बहुत मात्रा में आई है गुड़हल के में, उसका भी हम लोग इलाज करने वाले हैं। हमें लेना है ये एक नॉब जो स्प्रे है, ये आपके घर में होगा कॉलिन का, हमने खोला है, और एक ये बॉटल, बॉटल में हमने लिया है पानी, और यहाँ पे है ये शैम्पू तो 1 रुपए का। इसको हम लोग ले करके इस पर डाल के घोल करके इसकी इसका हम स्प्रे बनाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलीबग है इसलिए हमको पूरा आधे लीटर में ही पूरा का पूरा शैम्पू हम लोग यूज़ करेंगे, और आप चाहें तो इसमें हैंड वॉश का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कारगर है। और इसको ऐसे लेने के बाद में हम लोग इसे बहुत अच्छे से शेक करने वाले हैं, और जब ये घुल जाएगा हम लोग इसका स्प्रे पौधे में करेंगे। हमारा ये शैम्पू का घोल तैयार हो चुका है, और ये जो गुड़हल में हमें देख रहे हैं ना, ये अभी कम है, तो इस पर हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिकल करते हैं। आपको सिंपल ऐसे स्प्रे कर देना है इसमें जहाँ जहाँ आपको दिखे। हम एक तरह से इसका वॉश कर रहे हैं, जैसे आप गाड़ी वाड़ी धोते हैं वैसे इसको भी हम वॉश कर रहे हैं। आपको कोई भी अलग से मार्केट से कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में शैम्पू होगा उसका आप इस्तेमाल करिए, आप चाहें तो हैंड वॉश का यूज़ करिए, और ये करके आप छोड़ दीजिए इसे कम से कम 2 घंटे तक। एक गेंदे में भी ये सेम प्रॉब्लम दिखा है तो हम इसका भी इलाज कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों ने ये वाला डाली चुन लिया है और इस पर हम लोग पूरा स्प्रे कर रहे हैं अभी, और जैसे ही स्प्रे कंप्लीट होगी इसे हम 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसमें साबुन का घोल भी ले सकते हैं या फिर कोई हैंड वॉश, ये तीनों इस पे काम करेगा और बड़ी आसानी से आपको मिलीबग से छुटकारा मिल जाएगा। कोशिश कीजिए कि कभी भी आपको मिलीबग दिखे तत्काल उसका इलाज करें, घरेलू इलाज, नहीं तो ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं, फूल पत्ते तना किसी को नहीं छोड़ते, ये धीरे धीरे पूरी तरह से ये फैल जाएंगे आपके सभी पौधों में। तो हमने इस पे स्प्रे कर दिया है और देखते हैं 2 घंटे के बाद में इसमें पानी डाल करके क्या रिपोर्ट हमें मिलता है। एक और डाल आप देख रहे होंगे, ये गुड़हल का डाल है और इस पर भी वैसे ही मिलीबग का अटैक हुआ है। हम इस पर भी स्प्रे कर रहे हैं और इस पर बहुत सारी चींटियाँ भी आई हुई हैं, क्योंकि इसके जो अंडे हैं उसको चींटियाँ खाती हैं, और इसके ये जो जीव है इसे भी चींटियाँ बहुत पसंद करती हैं। तो हमने इस पर स्प्रे कर दिया, लगभग हो गया हमारा स्प्रे कम्प्लीट। 2 घंटे तक के बाद में हम इस पर देखने वाले हैं कि इसका क्या सीन होता है। जो स्प्रे किया था शैम्पू का उसके हो गए हैं 2 घंटे, और अभी मैं आपको दिखाऊं तो पूरे मिलीबग्स जो है अपने कलर चेंज हो चुके हैं और ये लगभग मर चुके हैं पूरे के पूरे। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जो था मिलीबग्स वो वाइट कलर का था, अब वो लाल हो चुका है, और डाली को बहुत 90% छोड़ चुके हैं। जो चींटियाँ थी नीचे में वो भी अब नहीं है, पौधे में जो चींटियाँ थी वो बिल्कुल कम हो चुके हैं। बहुत बड़ा पौधा होने की वजह से स्प्रे पूरे में नहीं हो पाया है, हम एक एक डाल करके इस पर स्प्रे कर रहे हैं। और आपको ये घरेलू उपचार कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए। हमने जो कल स्प्रे किया था वो देख रहे हैं आप, सारे मिलीबग्स मर चुके हैं यहाँ पे, और ये डाल पूरी तरह से अब धीरे से मुक्त होने वाला है मिलीबग के अटैक से। ये करके देखिए, आपको 1 रुपए के खर्च में आपका काम हो जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर आप इस पर कोई केमिकल या कोई दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले ये ट्राई करके आप देख लीजिए। दोस्तों, पसंद आया तो लाइक करिएगा, अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में बताइए ज़रूर, और आपके कौन से पौधे में मिलीबग्स का अटैक है वो भी हमारे साथ में शेयर करिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।